ओ भाई पूरा ग्रुप है वो पहले से पूरा ग्रुप है। रोक लो रोक लो भाई, इन्हें भी आने दो मेहमान। ये रहा अभी तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। शिकार नहीं कर पाएगा वो, जो अभी बाघ दिख रहा है यहाँ पे वो हिरण का शिकार नहीं कर पाएगा। हिरण के पीछे भाग नहीं पाएगा, वो भारी बहुत है, उसका वेट बहुत ज्यादा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करूंगी आप सब लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि हम अपनी एक अलग नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका एक अलग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप की होगी और थोड़ा सा मतलब आपको देखने में मजा आएगा, क्योंकि ये अब तक की मेरी जितनी भी मतलब ब्लॉग्स हैं और जितनी भी सीरीज हैं उनसे थोड़ा सा हटके रहने वाली है। इस अपनी सीरीज में टोटल हम जो भी वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और जितने भी नेचुरल थिंग्स है वो सब चीज़ें इसमें मैं आपको उम्मीद करूँगा कि दिखा पाऊँ, जिसमें कि एक बाघ भी आता है और उसके अलावा जितने भी जंगली जानवर हैं उन सब चीज़ों को भी मैं आपको इसमें दिखाऊँगा। साथ में एक दो चीज़ें आपको मतलब मेन इसमें ये दिखाऊँगा कि जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी जो मतलब वाइल्ड लाइफ एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको थोड़ी क्या प्रॉब्लम रहती हैं जो आपके जंगली जानवर होते हैं, या फिर क्या किस सिचुएशन में वहाँ पर वो रह रहे हैं। तो कोशिश करूँगा ये सब चीज़ें दिखाऊँ आराम से, और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊँ जो अब तक आपने शायद ना देखी हो, कोई दूसरी साइड, कोई दूसरी ऐसी चीज़ जो शायद अब तक आप नहीं देख पाए हो हमारे ब्लॉग के थ्रू, शायद वो आप देख पाएँ। और आपको मैं ये जो रॉ चीज़ है वो दिखाने वाला हूँ, कुछ भी इसमें एडिटेड अपना नहीं होने वाला है। और जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं वो अभी हमारे घर से, जो कि अभी हम काशीपुर में हैं, काशीपुर से अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास हमारा पड़ता है कॉर्बेट का एरिया, उसके आसपास का जो लगा हुआ एरिया टोटल वहाँ पे, वहीं पे जाने का जो सीरीज़ है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है आज से। और चलते हैं अभी हमारे जो एक्चुअली मैं आपको बता दूँ हमारी इस पूरी सीरीज़ में हमारे 3-4 लोग हम साथ रहने वाले हैं, उनसे आपको रूबरू वैसे मैं करवा दूँगा, लेकिन फिर भी बता दूँ कि हमारे साथ हमारे नवाब भाई, अबरार भाई, कासिम भाई और हमारे बड़े भैया जो रहने वाले हैं हमारे साथ पूरी सीरीज़ में, आपको वो सब दिखाऊँगा। खैर आज हमारा पहला दिन है और अभी अबरार भाई, कासिम भाई और नवाब भाई तीनों जरा आज हमारा वेट कर रहे हैं। आज भैया नहीं आ पाए हमारे साथ क्योंकि उनको कुछ काम है, वो नेक्स्ट डे हमारे को ज्वाइन करेंगे। तो चलो चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा लेट है और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताऊंगा कि वहाँ पे जो लोकल्स हैं जब जंगली जानवर से उनका फेस मतलब आमने सामना होता है तो क्या सिचुएशन रहती है, क्या हमें वो चीज़ करनी चाहिए जिससे कि हम भी अगर कभी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसें तो हमें मतलब बचने का क्या रास्ता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम जानवरों को परेशानी ना दें, या हम जानवरों को कोई परेशानी ना दें। तो चलो चलते हैं, ज़रा लेट है, निकलते हैं। कासिम भाई इज हेयर विद अस, कासिम भाई भी हमारे साथ हैं और हमारे बाकी के दोनों दोस्त जरा बैठे हैं, बैठने हैं, ज़रा निकालते हैं अभी आगे। हमारे साथ अभी हमारे नवाब भाई, अबरार भाई, यो टोपा पहनने वाले, और हमारे कासिम भाई ना चाह रहे अभी हमारे भाई लोग सारे हम क्या लगता है ना भाई आज मिलेगा नहीं मिलेगा इतना आज तो टाइगर ने रोला काट रखा है, दिन में भी तमाम स्टेटस आए हैं टाइगर है? कहाँ पर बहुत दो टाइगर बाबा तुमने तो सबसे आए हो, मैंने भी देखा है सच में बाबा। देखते हैं भाई ने तो देख लिया, अभी है अपनी बारी और निकलते हैं। वैसे ठंड का मौसम, इसलिए टोपा वगैरह सब कुछ हमने ले लिया अपना, तो उतर के तो खैर नहीं दिखना क्योंकि उतरने में तो हमारी लग जाएगी बहुत बुरी तरीके से। तो निकल रहे हैं अभी हम काशीपुर से और मिलते हैं सीधा ब्रेक के बाद। गुप्ता जी के यहाँ पे पहुंच गए हैं अभी हम और जीते हैं, चाय पीते हैं, चाय बनवाने का तैयारी थी अपनी, चाय बनवा दी है, पहुंचते हैं। कुल्लड़ वाली चाय, चाय और ये मैं चार लकड़ियां चुरा के लाया हूँ आग लगाने के लिए, ये इस बंदे के साथ मिल गए, ये देखते लो। और दूसरा भाई हमारा वो रहा, ओहो टावर देख रहा है वो तो। पहले पी जा रही गुप्ता जी की चाय और भाई ने जला दी आग। नवाब भाई अभी देख रहे हैं जरा अपना व्लॉग में कितने मजा आ रहे हैं नवाब भाई को, इसमें लगे पड़े भाई हमारा। तो अब अभी चलेंगे जरा चाय पियेंगे, चाय आते हैं उसके बाद दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। बाकी सामने देख रहे हो अभी हमारे है पुल, जो कि अपना बैराज का पुल, हाईटेक शौचालय वाला पुल। अभी निकलेंगे यहाँ से, ये खड़ी अपनी गाड़ी सवारी और आ गया हमारा टाइगर। ये रहा अबे टाइगर, तो ये जा रहे दोनों छोटा सस्ता राइडर है, सस्ता टाइगर, सस्ता टाइगर, गरीबों का टाइगर। ये रहा कहाँ गया वो, ब्लैक लेपर्ड है वो, ओ भाई अंदर भाग गया वो तो बिल्कुल, ब्लैक लेपर्ड है वो। सही है भाई, आग में मजा आ रहा है। लेकिन हम पीने लगे थे चाय और हमारे कासिम भाई बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर, उन्हें लग गई ठंड, मोस्ट हैंडसम बॉय इन द वर्ल्ड। और ये देखो इन्हें, अबरार भाई हमारे पी रहे हैं कॉफी के मजा, आज तो कॉफी मिली है, चाय तो है ही नहीं। और ये देखो मैगी, जिसने पहाड़ों में आके कॉफी और मैगी ना खाई उसने क्या खाया।
मिलेगा चाय ना मिले, चाय मैगी का साथ होता है, कॉफी मैगी का साथ थोड़ी होता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है वैसे। ये रामनगर में है, मजा आ गया गुप्ता। ओफो ये रामनगर के हैं भाई साहब। बाबा आग जल रही है बहुत जबरदस्त, आग के आगे ही मजा है बस। मैगी ना ब्लॉग में वो आग कहाँ जल रही, कुछ ना कुछ तो जली रही है, कहाँ जल रही। तो फाइनली निकल गए हैं अभी जरा हम रामनगर, हम जो है चालू हो गए भाई हमारे, सब उत्सुकता भरे अपने चेहरों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम भी निकल गए हैं जरा, थोड़ा ठंड की तो जरा कैमरा पहन लिया जाना है, खाली शांति से चलना है, जंगल घूमना है। हाँ भाई कल परसों की तरह उस दिन, भाई बस ये बता रहा हूँ, उस दिन 100% देख लिया था हमने, देख लिया था, वही वही था वो, और वो देख के दुबक गया। हाँ आज फिर से हम देखेंगे, कोशिश यही है, ये तो है डर गया था वो, आज देख रहे हैं, कोशिश यही है की आज मिल गया था हमसे। उसने पहली बार 5 शेर देखे थे। और हमारा पहले ही दिख गया हमें 12 सिंगा, पहले ही। ओ भाई पूरा ग्रुप है, वो पहले ही पूरा ग्रुप है। रोक लो रोक लो, अब इन्हें भी आने दो मेमनो। ये रहा अभी तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ये जूनियर 12 सिंगा था, नहीं ये 11 सिंगा था। क्या 11 सिंगा? हां कौन नहीं है क्या? अभी 9 सिंगा और 10 सिंगा भी आएंगे, फिर 7 सिंगा 8 सिंगा है, फिर 6 सिंगा। भाई हमें शुरुआत तो बहुत बढ़िया मिली है, चेंज करो शुरुआत तो बहुत बढ़िया मिली है। इधर नहीं है यार, दूसरे में है। ये रे ये रे ये 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 तो आवाज, शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई है, पहली बारी में हमें दिख गया हमारा 12 सिंगा। अब आंटी जी कहाँ जा रही है? अच्छा वैसे है, हम ग्रुप में है या कभी ऐसा होता है जैसे ग्रुप में अटैक हुए ना टाइगर्स के, तो ऐसा हुआ कि भाई हल्ला शोर शराबा करते हैं ना तो भाग जाता है, ऐसा होता है। अब बाकी क्या होता है कि मोस्टली तो ये सिंगल आदमी भी अटैक करता है, जो सिंगल आदमी जैसे यहाँ पे कोई चल रहा हो अभी रास्ते में तो उस पर अटैक कर ही देगा, क्यों कासिम भाई? हाथ लगा के करेगा अटैक, बिल्कुल। वो जो डर गया वो सबसे पहले उसे पकड़ेगा, और तो किसी पे हमला खैर करेगा नहीं वो, अगर जो सबसे पहले उसे दिख गया कि भैया घबरा गया सबसे पहले उसी के ऊपर मारेगा। लेकिन अभी हम गाड़ी के अंदर, अपना कोशिश यही की आराम से जाए और अपना आराम से आए। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी जगह है ऑल ओवर द इंडिया में ये जिम कॉर्बेट का एरिया जिसपे अभी हम है, और उम्मीद यही है कि आराम से जाएंगे और आराम से आएंगे देख के सिर्फ। देखने अभी चल रहे हैं जरा हल्के हल्के, अपना स्पीड अपनी है मुश्किल से 20 की स्पीड है, और देख रहे अभी हल्का हल्का अपने चारों तरफ हमने कोने बांट लिए हैं, जहाँ दिख जाए वहाँ बढ़िया, लेकिन शांति ऐसी हो रही है कि बिल्कुल नाटेदार। जहाँ पे अभी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं तो अभी हम चारों लोग जरा अभी अलग अलग जगह देख रहे हैं। सन्नाटा बहुत ज़ोर से यहाँ पे, मतलब ना कुछ सुनाई देने वाला, ना कोई गाड़ी आने वाली, ना कोई जाने वाली, लेकिन चारों तरफ देखते हुए चल रहे हैं आराम आराम से। ऊपर देख रहे हो चांद, क्या दिखाई दे रहा है चांद, रेडियम भी यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी न किसी चीज की आंख हो। सब गाड़ी की आवाज है हमारी या फिर मेरे बोलने की, और किसी चीज की आवाज तक नहीं आती। साफ लिखा है यहाँ पे वन्य जीवन क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा जानवर मिलने के चांसेस है। एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, तो पानी लेने के लिए अभी हम यहाँ पे रुके हैं, जरा पानी लेंगे फिर आगे की तरफ निकलेंगे, अपना कारवा अपना रास्ता आगे जारी रखेंगे यार। कुल्लड़ वाली साहब। सो जैसा कि अभी आपको बता रहा था कि एक अपनी एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, कुछ अलग तरीके की, जो कि रहने वाली है अपनी कॉर्बेट साइड के एरिया की, कि क्या यहाँ पे हमें जो जंगली जानवर दिखते हैं वो किस तरीके से दिखेंगे और क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। क्योंकि एक्चुअली ये एरिया हमारे घर के पास पड़ता है और आना जाना अपना लगा रहता है यहाँ पे, तो ठीक है आज तक वैसे कभी देखने को तो नहीं मिला, तो देखते हैं ज़रा अपने को बाघ के दर्शन कब होते हैं। उम्मीद करूँगा कि जल्दी हो, लेकिन सही है जो भी है। और इस तरफ मतलब टोटल ये कॉर्बेट जोन एरिया है, तो हमारी देख मतलब हमारी देखा देखिए आप सब ये मत करना, क्योंकि हमारा तो थोड़ा काम वाम भी रहता है यहाँ पे, और अपना जो घर भी है वो भी अपना पास में ही है, तो इसलिए। हाँ छोटे ये आ गए हमारे नवाब भाई, जो कि हमारी सीरीज में हमारे पूरे साथ रहने वाले हैं। और जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि हम जो है हमारा आसपास के एरिया में रहते हैं, तो इस वजह से हमारा थोड़ा काम वाम इस तरफ रहता है, आप ये सब ना करें। और उम्मीद करूँगा कि हमें हमारी देख रेख आप सब इस जगह पे ना आए, क्योंकि हमारा तो काम भी है इस तरफ और नवाब भाई का भी थोड़ा काम रहता है इस तरफ, तो इसलिए हमारा आना जाना तो लगा रहता है, तो सोच रहे कि भी जैसे आना जाना है तो कुछ नई चीज़ की शुरुआत हो जाएगी साथ में और कुछ नया देखने को मिल भी जाएगा सबको। कर दिए शुरुआत, देखते हैं क्या है सीन है। अभी आधा घंटा पहले एक भैया ने इनके दुकान पे आके बताया म्यूजियम के पास में
जहाँ पे हमने देखा था, जो अभी सुनने मारे की वहीं पे फिर से बाघ दिखा है, और वो यहाँ से रह गए तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर रह गए, 3 किलोमीटर तो 3 किलोमीटर रह गए अभी, जरा चलते हैं आगे और उम्मीद है आज पूरा नजारा देख के ही आएंगे बाघ का। यहाँ पे अभी भाई को लगा है कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पे लगा है कि भाई को कुछ ना कुछ है, अभी थोड़ा सा डर रही है। लड़का ऊपर देख रहा है, ओफो बेटा भाग जा, यहाँ पे भाग है, पूरा झुंड है यहाँ पे भी, ये है ना इधर एक तरफ लो गाड़ी, ये हिरन बहुत सारे दिख रहे हैं यार हमें, हिरन बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन जिसकी दरकार है वो भी तो दिखे। वो जगह है अभी जहाँ पर अभी दोपहर में भी देखा गया बाघ, और अभी 3 घंटे पहले भी देखा गया, और जहाँ पे अभी हमने लास्ट डे वाले ब्लॉग में जो भी बताया था वो भी हमने यहीं पर देखा था, ठीक यहाँ पर ठीक, और आज भी वो बाघ यहीं पर देखा गया है, शायद अभी फिर से दिख जाए अगर किस्मत अच्छी हुई तो। टस्कर वगैरह भी बहुत होते हैं वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे जा रहा है पानी, और पानी की ही दरकार है वैसे तो इनको, बाघ को चाहिए क्या पानी, दो बत्ती की बाटली। हाँ कहाँ जा रहे हो? ज्यादा वो कहीं ना यार, अब स्कॉर्पियो ना तो ही है तो सेंट्रो हमारे पास, कुछ तो है हमारे पास, नहीं दिख रहा कुछ भी। आगे पाखे देख लो कहीं जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वही देख रहा हूँ मैं भी, कुछ दिख जाए तो। अगर ये बहुत ही ज्यादा ये टाइगर सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है इस टाइम पे, ये यहाँ से बहुत बार देखा मैंने, बहुत सारी वीडियोस में मैंने खुद देखा भाई बहुत बार, कैसे लगा ये वो ऊपर है ना अभी पूरा, अभी वो देखो आग यार, वहां बैठ के हमारा इंतजार कर रहे आगे, चढ़ भी सकता है उसका कोई भरोसा तो यार, कब कहां चढ़ यार वो रेडियम में, क्या पक्का वो रेडियम में दिन बिटने ऊपर नहीं चढ़ना प्यार, और कहीं पे देखो यार ना वो नहीं है यार, नवाब भाई पीछे देखते हुए चलना कई बार ना, क्योंकि वो रोड क्रॉस करते हुए जाता है जब गाड़ी जाती है तो पीछे से, बांगड़ बंजा भी तो ना निकल गया नीचे, गाड़ी की चोट तो नहीं लगी होगी अब भाई? अबे यार मले टाइगर ही लग रहा था यार, वो मैं कह रहा बड़ा तगड़ा खड़ा है यार, मुझे खुद को टाइगर लग रहा है यार, ये सामने। वो देखो हिरन का झुंड
मैं सामने बाघ समझ नहीं बैठा था, उधर की तो बात कर रहा हूँ मैं, सामने की पूरा झुंड है ना, चांसेस इधर ज्यादा होंगे। हाँ देख लो पूरा का पूरा झुंड ही है, ये तो पूरा का पूरा झुंड है। यहाँ पे फिर मेरे ख्याल से अब नहीं होगा टाइगर, क्यों कासिम भाई? यहाँ पे नहीं मिलेगा अब टाइगर, ये कहने की बात है। थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं, और इतना वो शिकार देख के तो टाइगर का पेट भर जाएगा ना। चाय पीने का थोड़ा सा मन भी कर रहा है, और जहाँ पे भी लास्ट टाइम पानी लेने के लिए रुके थे तो थोड़ा वहाँ पे चलते हैं। पानी के लिए जहाँ पे रुके थे वहीं पे चल रहे वापस। चलो अब चाय पे रुकोगे, पानी तो असलियत में प्यास लगी। चलो चलते हैं जरा, और रुकते हैं जरा आगे चल के। सामने क्या है? हिरन, वो भी हिरन ही है। हाँ मिट्टी चाटते हैं। अबे हिरन ऐसा होता है क्या? मैं बरार भाई हरकतें ठीक करवा दो यार, साले हरकतें ठीक कर ले चूतिया आदमी। अबे हाँ यार किस कदर खड़े हैं भाई ये, अबे ये देखिए इतना बड़ा हो लोंडा। अबे घर चले जाओ, घर जावे। वो यार कुछ हद से ज्यादा खड़े थे भैया आज तो, आज मेरे ख्याल से बाघ छुट्टी पे है बरार भाई, बाघ छुट्टी पे गया होगा तब साले सड़क पे घूम रहे हैं आज। कासिम भाई और हमने बहुत कोशिश करी कि मिल जाए, और नवाब कोशिश करी और अब आखिरी में आखिर में जाके हम जब हार गए तो हम चाय पीने के लिए रुक ही गए फाइनली, और पियेंगे भी जरा चाय। यहाँ पे 24/7 की सर्विस है यहाँ पे। हाँ रोहित सच बताना चाय पीने रुका। तो अब चलो पीते हैं यहाँ पे चाय और देखते हैं जरा अभी आगे थोड़ा सा चलेंगे, और अभी बज गए रात के 1:15 और करते हैं फन।